गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सटेंशन एजुकेशन की क्लास में पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। प्रसार शिक्षा की आज की कक्षा में हमारा विषय है शिक्षण तथा अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण से आप सभी भलीभांति परिचित हैं। शिक्षण शिक्षा की जो प्रक्रिया है जिसमें कि शिक्षार्थी है, शिक्षक है और किसी टीचिंग मेथड के द्वारा, शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षण कार्य पूर्ण किया जा रहा है। और अधिगम वो पूरी सीखने की प्रक्रिया है। अधिगम से तात्पर्य है सीखना, लर्निंग। तो हम कुछ भी, हम बहुत सारी चीज़ों से सीखते हैं, हम अनुभव से सीखते हैं, हम नई नई बातों को जान ऑब्जर्वेशन अवलोकन से सीखते हैं। बहुत सारे तरीके हैं सीखने के, लॉज हैं, लॉज ऑफ लर्निंग, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझें कि अधिगम का अर्थ क्या है, यानी कि लर्निंग होता क्या है। हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलें तो इसे कहते हैं सीखना, लर्निंग यानी कि सीखना। तो सीखना बचपन से ही शुरू होने वाली प्रक्रिया है, जो कि प्रारंभ से बचपन से ही शिशु बच्चा सीख रहा है, देख के सीख रहा है, कुछ चीज़ों को समझ रहा है, उसको कहा जा रहा है, वो उससे ज्ञान हासिल कर रहा है और सीख रहा है। अब जो सीखने से तात्पर्य क्या है कि जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी कुछ वो सीख रहा है, उसके हिसाब से उसके व्यवहार में एक वांछित परिवर्तन आना चाहिए, तभी वो सीखना कारगर होगा। तो लर्निंग को इसीलिए परिभाषित करते हुए ये कहा गया है कि अनुभव से जो लाभ उठाने की क्रिया है उसी को सीखना या अधिगम कहा गया है। तो बहुत वैज्ञानिकों ने इसके बारे में परिभाषित किया है अधिगम क्या होता है। जैसे कि ओपी धामा प्रसार शिक्षा में बहुत विलक्षण कार्य किया हुआ है, एक इनके द्वारा जो लर्निंग की परिभाषा दी गई है अधिगम, उसको देखें कि लर्निंग इज अ प्रोसेस विच ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन वंस वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस और अदर एक्सपीरियंसेस। क्या कह रहे हैं ओपी धामा कि अधिगम वो प्रक्रिया है जो कि किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया करने में, व्यवहार में परिवर्तन ला रहा है। और ये परिवर्तन कैसे आएगा, या तो अभ्यास के द्वारा या अनुभव के द्वारा। तो दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और ये दोनों ही चीज़ें इसके लॉज के अंतर्गत इंक्लूडेड हैं। तो हम देखेंगे कि लर्निंग में जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम जान रहे हैं, जो भी जानकारी प्राप्त की जा रही है, अगर चाहे वो अनुभव से हो, चाहे कुछ सुनने से हो, चाहे कुछ कहने से हो, चाहे कोई भी और मीडिया से हो, लेकिन उसके फलस्वरूप जो शिक्षार्थी है उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन आ रहा है, तब उसे हम कहेंगे कि ये अधिगम हो रहा है या लर्निंग हो रही है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि ये स्पष्ट हो गया होगा कि व्हाट इज़ लर्निंग, अधिगम है क्या। तो गिलफोर्ड ने भी कहा है कि सीखने के फलस्वरूप यदि व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है तो उसे हम अधिगम कहते हैं। तो कोई भी जो अब अगर हम सीखने की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तो इसमें तीन चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएंगी। पहला हो जाएगा शिक्षक, शिक्षक कौन है, टीचर जो कि सिखा रहा है। दूसरा हो जाएगा शिक्षार्थी, शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट जो सीख रहा है। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो मीडिया या टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधि जिसके द्वारा उसको सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी संदेश का प्रसारण हो सकता है, कोई भी ज्ञान को अवतरित करना हो सकता है, ये लर्निंग की प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट है। अब जहाँ शिक्षक का पढ़ाना इम्पॉर्टेंट है, वहीं शिक्षार्थी का सीखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर शिक्षार्थी सीखना नहीं चाहेगा तो शिक्षक कितना ही ज्ञान दे दे, वो ग्रहण नहीं कर पाएगा शिक्षार्थी। तो इसीलिए दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। और अनुभव जो अधिगम है वो अपने आप में, क्या कहें कि अनुभव से ही व्यवहार में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं। तो अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। हम समझ सकते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या देख रहा है, सीख रहा है, उसके आसपास जो भी घटित हो रहा है उसको देख देख के सीख रहा है, उससे जो कहा जा रहा है वो देख के सीख रहा है, उसको सुन के सीख रहा है, कोई व्यक्ति किसी काम को कैसे कर रहा है उसको अवलोकन करके सीख रहा है,
उसी के हिसाब से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, यानी समस्याओं को का समाधान प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो जब वो इस प्रक्रिया में जब उस कार्य को वो अपने आप करता है, पूर्ण करता है और अभ्यास करता है, उससे उसको एक अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, सक्रियता से इस पूरी क्रिया में वो भाग लेता है, तब वो सीख जाता है। इसी को सीखने की प्रक्रिया या लर्निंग अधिगम कहा गया है। अधिगम के चार नियम हैं, देखें हम। एक तो है तत्परता का नियम, इसे इंग्लिश में कहेंगे लॉ ऑफ रेडीनेस। सेकंड इज अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। थर्ड प्रभाव का नियम या लॉ ऑफ इफेक्ट कह सकते हैं। चौथा आप देख रहे हो संबंध का नियम, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिलेशंस। एक एक करके इनको हम समझते हैं। अधिगम का नियम, अधिगम के नियम में जो पहला नियम है तत्परता का नियम, जिसे लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं, उसे हम समझें पहले कि सीखना या अधिगम कब होगा। जब शिक्षार्थी तत्पर होगा, यानी जब जो लर्नर है या स्टूडेंट है या शिक्षार्थी है वो एक्टिव है, सक्रिय है, मानसिक रूप से तत्पर है, शारीरिक रूप से तत्पर है, यानी उसके अंदर इतना कौशल, इतनी एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो उस ज्ञान को प्राप्त कर सके, सीख सके। दूसरा उसके अंदर उसकी मनोवृत्ति, उसकी चाह, उसकी जो इच्छा है वो भी ऐसी होनी चाहिए कि वो उस कार्य को सीखने के लिए तत्पर हो सके, तब तो वो उस कार्य को, कौशल को सीख सकता है। इसी को कहा गया है तत्परता का नियम। तो मेंटली फिजिकली दोनों ही तरीके से व्यक्ति पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए इसे सीखने के लिए, वरना आप कितना ही जोर दे के शिक्षक सिखाएगा लेकिन वो शिक्षार्थी उस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए प्रयास यही रहना चाहिए कि जब व्यक्ति या जो लर्नर है, सीखने वाला जो विद्यार्थी है, वो पूर्णतः तत्पर है, अलर्ट है, रेडी है, फिजिकली एंड मेंटली रेडी है सीखने के लिए, तब उसको तभी ये लर्निंग की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो पूरी कंप्लीट होती है। तो इसे हम कह देंगे तत्परता का नियम या लॉ ऑफ रेडीनेस कह सकते हैं। दूसरा अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब केवल अलर्ट तो है वो है, लेकिन अगर उस चीज़ को आपने उसे पढ़ा दिया, शिक्षक ने पढ़ा दिया, शिक्षार्थी ने सुन लिया, उसको उस समय समझ आ भी गया, लेकिन अगर उस चीज़ का अभ्यास उसने नहीं किया तो क्या वो याद रहेगा उसे आगे के और वर्षों तक? कोई भी चीज़ अभ्यास के द्वारा ही हमारे दिमाग में और वो कौशल पक्का बैठता है, हम उस काम को कर पाते हैं। कोई भी जानकारी है, आप एक छोटा सा ही उदाहरण लीजिए कि एक किताब आपने पढ़ी, आज पढ़ी और 5 साल बाद आपसे पूछा जाए वो किताब पढ़ी थी आपने, उसके बारे में बताइए, तो आप क्या और कितना बता पाएंगे, क्योंकि उसे पढ़े तो आपको 5 साल हो गए। तो अभ्यास का नियम महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से टाइपिंग स्पीड है, आपने टाइपिंग सीखी, टाइपिंग की स्पीड आपकी बन गई, आपने टेस्ट भी क्लियर कर लिया, लेकिन फिर प्रैक्टिस छूट गई, आप टाइप करना ज़रूरत नहीं पड़ी, टाइप नहीं किया, तो फिर क्या होगा? क्या ये अभ्यास के बिना ये जो स्किल, ये जो कौशल आपने सीखा, ये बना रह पाएगा? यह संभव नहीं है। तो आप भूल जाएंगे उस चीज़ को। जब तक अभ्यास करते हैं, उसकी पुनरावृत्ति होती है, तब तक वो कौशल या वो ज्ञान, वो सीखना, वो लर्निंग बार बार रिपीट होती रहती है। तो हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अभ्यस्त हो जाएंगे उस काम को करने के लिए हम। तो इसलिए अभ्यास का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, कि हमें बार बार प्रैक्टिस कह सकते हैं, प्रैक्टिस करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए उसको, ठीक है, इसको लॉ ऑफ प्रैक्टिस कह सकते हैं। अब तीसरा देखिए प्रभाव का नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट। प्रभाव से क्या तात्पर्य है? कि परिणाम, उस चीज़ का परिणाम क्या है, प्रभाव क्या है। जैसे कि अब अगर आपने कंप्यूटर की क्लास अटेंड की, कंप्यूटर की स्किल सीखी आपने, और उसके बाद आपने क्या किया, उस चीज़ से आपको एक अच्छा जॉब मिला, उस स्किल से, इस कौशल को सीखने से आपको एक नौकरी मिली अच्छी, जिससे आपकी आय बढ़ी, तो अब क्या होगा, इफ़ेक्ट क्या हुआ उसका, कि उस कौशल ने, उस लर्निंग ने आपको इनकम जनरेट कराई,
तो आप क्या होंगे, आप ऑटोमेटिकली प्रेरित हो जाएंगे उस काम को करने के लिए, क्योंकि आपको उसका प्रभाव अच्छा दिख रहा है। तो इससे आपको और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, आपको संतुष्टि मिलती है कि जिस कार्य के परिणाम अच्छे होते हैं, हम तत्पर हो जाते हैं उसको और पूर्णता से करने के लिए, उसको और सीखने के लिए। यही है प्रभाव का नियम या लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसे हमने कहा है कि जितना ज़्यादा उस चीज़ को हम कहेंगे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट होगा, उतना उस लर्निंग को सीखने के लिए हम मानसिक रूप से तैयार रहेंगे और अग्रसर रहेंगे, प्रेरित रहेंगे उसे सीखने के लिए। अब अगला हम देखें संबंध का नियम। संबंध के नियम से तात्पर्य क्या है, लॉ ऑफ रिलेशन। संबंध से क्या तात्पर्य है, संबंध मतलब यहाँ टीचर और लर्नर का संबंध है। टीचर और लर्नर से, टीचर स्टूडेंट के संबंध को हम कह सकते हैं। बहुत बार ये होता है कि हम किसी विषय में हमारी रुचि इसलिए भी बढ़ जाती है या जागृत हो जाती है क्योंकि कोई टीचर है जो, या शिक्षक है जो भी उस शिक्षा को दे रहा है, उसकी प्रस्तुति इतनी रोचक है या उस विषय में हमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है कि हम उसको सीखने लग जाते हैं, या उस शिक्षक का स्वभाव या पढ़ाने का तरीका या समझाने की कौशल, ये सब चीज़ें इतनी अच्छी हैं कि एक अच्छा संबंध शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में स्थापित हुआ है। तो इससे क्या होता है, जो शिक्षार्थी है उसको भी सिखाना अच्छा लगता है, उसको भी सीखना अच्छा लगता है, और जो शिक्षक है उसको भी सिखाना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से एक इफेक्ट, एक रिलेशन आपस में एक मधुर सौहार्दपूर्ण संबंध होता है, तो टीचिंग लर्निंग की जो प्रक्रिया है, ये जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है, ये अपने आप में रुचिकर बन जाती है। अब ये रिलेशन्स, इसमें कई प्रकार के तत्व हो सकते हैं, जैसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है, नोन एंड अननोन रिलेशनशिप, न्यू एंड ओल्ड रिलेशनशिप, स्पेसिफिक टू जनरल रिलेशनशिप। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना है, लेकिन हम इतना समझें कि किसी भी प्रकार से अगर हम जो संबंध शिक्षार्थी और शिक्षक का है, अगर वो मधुर है, सौहार्दपूर्ण है, तो निश्चित रूप से वो जो टीचिंग की प्रक्रिया है, शिक्षण की प्रक्रिया है, उसको वो उसके ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। जो लर्नर है, लर्नर यानी जो सीख रहा है, विद्यार्थी या बालक, तो या कोई भी और व्यक्ति, लक्ष्य समूह हो सकता है जो कि सीख रहा है, तो वो जितना ज़्यादा इन दोनों के बीच का संबंध, आपसी संबंध में जितना ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, उतना ही सीखने की प्रक्रिया सकारात्मक होगी, शीघ्र होगी, जल्दी वो सीख पाएगा, और जो सीखेगा उसे व्यवहार में परिवर्तित करना, अपने व्यवहार में उतारना, वो भी आसान हो जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से आप उदाहरण समझ सकते हैं कि कोई काम आपको करना अच्छा लगता है तो आप उसको काम नहीं समझ के एक अच्छा अनुभव समझ के उसको बार बार रिपीट करते हैं, आपको ये नहीं लगता कि ये काम किया जा रहा है। और वहीं कोई ऐसा काम है जो आपको करना अच्छा नहीं लग रहा या आप उसको बोझ समझ के कर रहे हैं, तो वो चाहे आधा घंटा उस कार्य को आप पूर्ण करें, लेकिन मानसिक रूप से एक संतुष्टि या क्या कहे कि अच्छी फीलिंग आपको उससे नहीं आएगी। तो यही संबंध का नियम है, लॉ ऑफ रिलेशन यही है कि जितना ज़्यादा हम उस रिलेशन को एंजॉय करेंगे, उस पूरी सिचुएशन को, टीचिंग लर्निंग की पूरी प्रोसेस को एंजॉय करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा लर्निंग एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, लर्निंग सीखना शीघ्र होगा, जल्दी होगा। अधिगम के बहुत सारे प्रकार भी हैं, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट क्लास होनी आवश्यक है, उसको आगे पढ़ेंगे। और अभी मैं आशा करती हूँ कि आज जो एक व्यवहारिक आधारभूत जानकारी, एक एलिमेंट्री सी नॉलेज जो आपको लर्निंग के बारे में मैंने दी है, टीचिंग और लर्निंग के बारे में, उससे आपको एक समझ विकसित होगी, और आगे जब हम अधिगम के प्रकार पढ़ेंगे तब आप उसको और अच्छे से समझ पाएंगे, स्पष्ट कर पाएंगे, और उस विषय का विश्लेषण भी कर पाएंगे। इसके ऊपर, शिक्षण और अधिगम के नियम के ऊपर प्रश्न आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको चार लॉज के बारे में पता होना चाहिए, ये जो आपको सामने स्लाइड में दिख रहे हैं, इनको स्पष्ट करना,
व्यवहारिक उदाहरण के माध्यम से करना उत्तर में अंक के हिसाब से करना आवश्यक हो जाता है। अधिगम एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, अनवरत प्रक्रिया है, और यहाँ औपचारिक और औपचारिक दोनों ही प्रकार से जो बालक है सीखता है, तो हम इसे समझ सकते हैं कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि हमेशा चलता रहेगा। धन्यवाद।